Good morning students. Today we will discuss about affinities of amphioxus. Actually, amphioxus जो होता है, it possesses a peculiar mixture of primitive, degenerative as well as specialized character. That's why it is unique in showing affinities with chordate as well as non-chordate. होता क्या है इसके अंदर कि जो amphioxus है which belongs to subphylum cephalochordata. Actually, it shows various similarities with नॉन कॉर्डेट एज वेल एज कॉर्डेट ग्रुप्स. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिंपल कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं और कई सारे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी पाए जाते हैं. एंड इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ सिंपल प्रिमिटिव डीजेनरेटिव कैरेक्टर एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर. दैट्स व्हाई इट शोज एफिनिटीज विद वेरियस ग्रुप्स, वेरियस सब फाइला और वेरियस फाइला. ओके, तो हम लोग इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सिंपल कैरेक्टर्स भी पाए जा रहे हैं और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी पाए जा रहे हैं. तो इसीलिए हम इसकी एफिनिटीज जो हैं वो अलग अलग फाइला के साथ स्टडी करेंगे. तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एम्फियोक्सिस है वो नॉन कॉर्डेट्स के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज जो है वो शो करता है. एफिनिटीज विद नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स के साथ क्या एफिनिटी शो करेगा. अब आपको ध्यान हो तो नॉन कॉर्डेट्स में भी हम लोग जो इनवर्टिब्रेट्स थे उसमें 9 फाइला स्टडी कर रहे थे. तो अब हम ये देखेंगे कि जो सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा का एनिमल एम्फियोक्सिस है वो डिफरेंट फाइला के साथ, डिफरेंट इनवर्टिब्रेट फाइला के साथ क्या सिमिलैरिटी शो करेगा. तो पहले हम लोग बात करें एफिनिटी विद एनिलिडा. एनिलिडा का स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर आपको ध्यान हो तो उनकी बॉडी कैसी होती है? बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है. तो सिमिलरली इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है. बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल. तो ये जो कैरेक्टर है एम्फियोक्सिस का, इट बिलोंग्स टू और इट शोज एफिनिटी विद सब फाइलम एनिलिडा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. मेटामेरिकली सेगमेंटेड. एनिलिडा का दूसरा कैरेक्टर क्या है? उनकी बॉडी कैसी होती है? उसमें विखंडन पाया जाता है. तो सिमिलरली जो एम्फियोक्सिस है उसकी बॉडी में भी विखंडन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो पाया जाएगा. इसके अलावा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एनिलिडा में जिस प्रकार से बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सिमिलरली एम्फियोक्सिस में भी उसी प्रकार का बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है. और एक और कैरेक्टर जो है वो एनिलिडा के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, फिल्टर फीडिंग. यानी ये भी खाने को छान के स्पेसिफिक साइज ऑफ फूड पार्टिकल्स जो है उसको खाने में लेगा. तो ये भी, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं? एम्फियोक्सिस के नॉन कॉर्डेट फाइलम एनिलिडा के साथ. कौन कौन से कैरेक्टर हैं? बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल एज वेल एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. ब्लड वास्कुलर क्लोज होगा और फिल्टर फीडिंग जो है वो ये शो करेंगे. दूसरा आता है, ये तो एनिलिडा के साथ सिमिलैरिटी हुई. अब हम देखें एफिनिटी विद मोलस्का. जो दूसरा फाइला है आपका इनवर्टिब्रेट फाइला, उसके साथ क्या सिमिलैरिटी शो करेंगे? ये क्या समानताएं दिखाएंगे उसके साथ? पहला आता है सीरियली मोड ऑफ फीडिंग. मतलब सीरियली मोड ऑफ फीडिंग से आप लोग अगर आपको ध्यान हो तो जो टाइप स्टडी था हमारा हर्टमानिया का, उसमें हमने क्या देखा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया जो वाटर करंट बन रहा था, उस वाटर करंट के साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन भी आ रहा था और फूड पार्टिकल्स भी आ रहा था. तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सीरियली मोड ऑफ फीडिंग जो है वो पाया जाता है इनके अंदर. नेक्स्ट एफिनिटी जो होगी वो क्या होगी इसके अंदर, आप देखिए, रेस्पिरेशन थ्रू वाटर करंट. दे शोज रेस्पिरेशन थ्रू वाटर करंट. एम्फियोक्सिस है वो सब फाइलम मोलस्का के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा है. कौन कौन से सिमिलैरिटी शो कर रहा है? कि इनके अंदर भी सीरियली मोड
फीडिंग पाया जा रहा है एज वेल एज रेस्पिरेशन जो है वो वाटर करंट के थ्रू हो रहा है। यानी क्या होगा, जो वाटर करंट अंदर आएगा उसके साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन आएगा और उस डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ ही जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेंगे। इसके बाद आता है एफिनिटी विद इकाइनोडर्मेटा, जो आपका लास्ट इनवर्टिब्रेट फाइला है इकाइनोडर्मेटा, उसके साथ ये क्या समानता शो करेगा, एम्फियोक्सिस एंड टेरोसिलिक सीलो। देह गुहा कौन से प्रकार की पाई जाएगी, देह गुहा जो है वो वास्तविक देह गुहा तो है ही, ट्रू सीलोम तो पाई जा रही है, बट ट्रू सीलोम में भी कौन से टाइप की सीलोम पाई जा रही है इनके अंदर, एंटेरोसिलिक टाइप ऑफ सीलोम पाई जा रही है ना। दो प्रकार की थी अगर आपको ध्यान हो, ट्रू सीलोम, साइजोसिलिक सीलोम और एंटेरोसिलिक सीलोम। तो एंटेरोसिलिक सीलोम जो होती है वो गट पाउचेस के आपस में जुड़ने से बनती है, जबकि साइजोसिलिक सीलोम जो थी वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। तो इनके अंदर एंटेरोसिलिक सीलोम पाई जाएगी। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं एम्फियोक्सिस के, ये नॉन कॉर्डेट्स के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर्स के साथ, कॉर्डेट के साथ एफिनिटी वाले कैरेक्टर्स। ये तो नॉन कॉर्डेट के साथ एफिनिटी हुई, सेकेंड विग हैडिंग जो होगा एफिनिटी विद कॉर्डेट्स। तो देखिए कॉर्डेट के साथ एफिनिटी शो करना, अगर आपको ध्यान हो तो एम्फियोक्सिस जो होता है इट बिलोंग्स टू सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, और सेफेलोकॉर्डेटा ऐसा एनिमल है जिसे जिसके अंदर तीनों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो थे वो प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गैन स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि एम्फियोक्सिस जो है वो शो करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कॉर्डेट नहीं है, है ना। तो ये कॉर्डेट के साथ कंप्लीट सिमिलैरिटी शो करेगा। इट शोज ऑल थ्री फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। सो देयर इज नो डाउट ऑफ इट्स कॉर्डेट नेचर। अब इसमें भी हम लोग देखें कि कॉर्डेट में भी वो किस किस के साथ क्या एफिनिटी शो करता है। तो अब हम बात करें एफिनिटी विद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम जो था जिसका एनिमल था आपको याद हो तो बैलेनोब्लासस, इसका क्या कैरेक्टर था कि इसमें नोटोकॉर्ड जो है उसकी प्रेजेंस डाउटफुल होती है। तो हेमिकॉर्डेटा के साथ एम्फियोक्सिस जो है वो क्या सिमिलैरिटी शो करेगा, पहली सिमिलैरिटी होती है फेरिंजियल एपरेटस विद न्यूमरस गिल स्लिट्स, फेरिंजियल एपरेटस विद न्यूमरस गिल स्लिट्स। दूसरी सिमिलैरिटी जो होगी वो होगी फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट सिमिलैरिटी जो हेमिकॉर्डेटा के साथ शो करेंगे एम्फियोक्सिस, म्यूक्रस गोनेट विथ गोनोडक्ट। बहुत सारे गोनेट्स होंगे जिसमें गोनोडक्ट भी उपस्थित होगी उनके गैमेट को ले जाने के लिए। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं एम्फियोक्सिस के, वो किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा के साथ। अब हम बात करें एफिनिटी विद यूरोकॉर्डेटा, देखिए इनका एसीडियन लार्वा विद नोटोकॉर्ड। लाइक टेडपोल लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, जिस प्रकार से यूरोकॉर्डेट्स के
टेडपोल लार्वा में नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, सिमिलरली एसिडियन लार्वा में भी नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। एसिडियन लार्वा किसका लार्वा होगा? एम्फियोक्सिस का लार्वा होगा। दूसरा, आइडेंटिकल अर्ली स्टेजेस, आइडेंटिकल अर्ली स्टेजेस से मतलब है कि इनके अंदर जो यूरोकोनिडा की जो इनिशियल डेवलपिंग स्टेजेस है, क्लीवेज हो गया या गैस्ट्रुलेशन हो गया, तो क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होगा वो इन दोनों में सिमिलर पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो इसके अंदर क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, तो एम्फियोक्सिस में भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाएगा। और गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो इनवेजिनेशन के द्वारा होता है यूरोकोनिड में, तो सिमिलरली एम्फियोक्सिस में भी इनवेजिनेशन के द्वारा ही गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होगी। फिर आता है आपके एफिनिटी विद साइक्लोस्टोमेटा, फॉर एग्जाम्पल होगा उसका लैम्प्रे, एफिनिटी विद साइक्लोस्टोमेटा। इसके क्या कैरेक्टर्स होंगे अगर आपको ध्यान हो तो, उनकी फिश लाइक बॉडी थी तो इनकी भी वैसी ही बॉडी है, इलॉन्गेटेड फिश लाइक बॉडी। मीडियम फिन जो होता है, कंटिन्यूअस डॉर्सल मीडियम फिन, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इसका क्या रहेगा, माउथ सराउंडेड बाय ओरल हुड। उनका भी माउथ जो होता है वो राउंड होता है ना, सब्टोरियल माउथ होता है, तो सिमिलरली इनका माउथ भी जो होता है वो ओरल हुड से सराउंडेड होता है। अब इसके अलावा देखिए ये वर्टिब्रेट्स के साथ भी कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं, एफिनिटी विद वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के साथ क्या एफिनिटी होंगी इसकी? पहला कैरेक्टर देखिए, मेटामेरिकली अरेंज्ड मायोटोम्स, मायोटोम्स जो होंगे वो मेटामेरिकली अरेंज्ड होंगे, सेगमेंटेड अरेंज होंगे, पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी इसके अंदर। पोस्ट एनल टेल से मतलब है कि एनल अपर्चर के पीछे की तरफ भी टेल जो है वो पाई जाती है। फिर होगा वेल फॉर्म्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो ये जो है एफिनिटीज वर्टिब्रेट्स के साथ शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेटामेरिकली अरेंज मायोटोम्स पाए जा रहे हैं, मसल स्पैंड, मायोटोम्स मतलब क्या था, मसल स्पैंड जो है वो सेगमेंटेड अरेंज होते हैं। पोस्ट एनल टेल, एनल जो है एनल पोर के पीछे तक भी टेल जो है वो उपस्थित होती है, और इनके अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो ये जो एम्फियोक्सिस है वो लोअर नॉन कॉर्डेट्स के साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है, और एज वेल एज कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट्स के साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है। इसीलिए इसकी एफिनिटीज को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों तरह के कैरेक्टर शो कर रहा है, सिंपल डीजेनरेटिव कैरेक्टर्स यानी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी शो कर रहा है, और साथ के साथ वर्टिब्रेट्स के डेवलप्ड कैरेक्टर्स जो है वो भी शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एंसिस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना, वर्टिब्रेट्स का एंसिस्टर है। लेकिन फिर भी हम इसे कहां स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंपल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, डीजेनरेटिव कैरेक्टर्स उपस्थित है, तो इसे हम लोग कहां स्टडी कर रहे हैं, सेपरेट सब फाइला में स्टडी कर रहे हैं कॉर्डेट्स के, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।